जिला कुल्लू में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का लक्ष्य पूरा। जिला कुल्लू में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य प्रशासन ने पूरा कर लिया है। अब कुल्लू जिला लाहौल स्पीति व किन्नौर के बाद तीसरा ऐसा जिला बन गया है जिन्होंने 100% इस लक्ष्य को हासिल किया है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से भी प्रशासन आग्रह कर रहा है कि अगर उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है तो वह जल्द से जल्द इसे ले। डीसी कुल्लू के द्वारा जिला कुल्लू की जनता से आग्रह किया गया था कि वह जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले और जिला प्रशासन की इस अपील का असर भी नजर आया। इस मुहिम में स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण स्तर पर जुड़े स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई जिसके चलते यह लक्ष्य पूरा हो पाया है। जिले में 2,89,722 लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से 2,83,000 लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा गया था। वही बीते एक सप्ताह तक बड़े स्तर पर चले अभियान में प्रवासी मजदूरों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जिला लाहौल स्पीति तथा किन्नौर जिला पहले ही 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। अब कुल्लू जिला कोरोना की पहली डोज का 100% लक्ष्य पूरा करने वाला प्रदेश का तीसरा जिला बना है। हालांकि भविष्य में जिले में प्रवेश करने वाली प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का क्रम जारी रहेगा। उधर इस संबंध में उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिले की लगभग 35% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज प्रदान की जा चुकी है। इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बधाई की पात्र है। लोगों के सहयोग से ही यह सब हासिल हो पाया है। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग मास्क पहनना और सामाजिक दूरी नियम का पालन करना न छोड़ें। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। 3 लाख जो हमारी पॉपुलेशन है उनको फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 35% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंड डोज भी लगाई जा चुकी है। तो अब हमारा एज पर फील्ड सर्वे मोर और लेस हमारी जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट डोज से कवर हो गई है। फिर भी मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि अगर अभी भी कोई फर्स्ट डोज के लिए छूट गया है, बहुत सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है जो जिला से बाहर रहते हों और जो है अब जिले में वापस आए हों, तो वो लोग हमारे वैक्सीनेशन केंद्रों पर जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। और जिनकी सेकेंड डोज जैसे जैसे मैच्योर हो रही है उन सबसे भी हमारा ये आग्रह रहेगा कि वो शीघ्र अपनी सेकेंड डोज भी लगाएँ, क्योंकि कोविड से इस लड़ाई में वैक्सीनेशन ही हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। और साथ ही साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी लोग फॉलो करें। हम ऑब्जर्व करते हैं कि धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है और लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी लोगों से, सभी से, आप लोगों के माध्यम से मेरा ये आग्रह रहेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहें और अपने समय पर एलिजिबिलिटी के अनुसार अपनी वैक्सीन। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।